शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लेटर लिखा है, जिसमें केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एलजी ऑफिस से लिखी गई चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि केजरीवाल जेल में जानबूझकर कम कैलोरीज ले रहे हैं, कम कैलोरी से उनका वजन कम हो रहा है। आपको बता दें कि 6 जून से 13 जुलाई के बीच केजरीवाल ने प्रॉपर डाइट नहीं ली, वो जेल डाइट चार्ट का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तय मानकों से कम आहार लेने के कारण उनका वजन लगातार कम हो रहा है। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि क्या कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जेल में केजरीवाल हैं और कम कैलोरीज ले रहे हैं, और ये चिट्ठी लिखी गई है साफ तौर पर, जिसमें पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि आखिर क्यों और कैसे अरविंद केजरीवाल जेल में जो तय मानक है उसे कम कैलोरीज ले रहे हैं। तो दिल्ली एलजीबी के सक्सेना के जो प्रधान सचिव है, उन्होंने मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। वहीं एलजी ऑफिस की अगर हम बात करें, तो देखिए किस तरह से इस चिट्ठी पर जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने ऐसे आरोपों को बेहद हास्यास्पद बताया है। आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि क्या एलजी साहब मजाक कर रहे हैं, क्या कोई खुद शुगर कम करेगा? और इतना ही नहीं, आपने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान ना करे एलजी के साथ भी कभी ऐसे हालात सामने आए। तो आप देखिए, ये प्रतिक्रिया अब आम आदमी पार्टी की ओर से सामने आ रही है, और जानकारी किस तरह से एलजी को ऐसा पत्र लिखना चाहिए, आम आदमी पार्टी ये सवाल भी पूछ रही है, क्या खुद कोई शुगर कम करेगा? और भगवान न करे कि एलजी को ये समय भगवान दिखा दे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और पत्र को लेकर अब सियासी गहमा गहमी। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे, वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं, मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया, मैंने कई जगह गूगल किया मगर क्यों नहीं की। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो जरूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूंगा। तो देखिए, एलजी ऑफिस की जो ये चिट्ठी है, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ चिट्ठी में कहा गया है कि तय मानकों से कम कैलोरी ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है, और उन्होंने कहा है कि क्या कोई जानबूझकर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा, क्या कोई जानबूझकर शुगर कम लेगा, और बीजेपी की साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है।